और जो रिसेंट लोज है स्विंग लोज उसको अच्छे से डिफेंड कर रहा है। लगता है कि 2310 PKM लेवल है जब तक रिलायंस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक पॉजिटिव मूड में ही है। हमें लगता है कि कोई भी गिरावट आए तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। 2310 PKM स्टॉप लॉस रखे इस पे, हमें लगता है कि वापस इसमें 2390 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खबरों में इसीलिए सिर्फ चर्चा हुई है, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेना हो, इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर बातचीत करिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जब भी आरएल की बात हो स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। लक्ष्मण समझ तो गए होंगे आप? जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। आज बुधवार है, आपका एक सवाल जो हर बुधवार की सुबह उठता है, तो मुझे लगता है कि वही आप पूछना चाह रहे हैं, अगर मैं गलत ना हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 10:30 बजे कैबिनेट में क्या होने वाला है कुछ पता चला या कब तक पता चलेगा? पता चल जाएगा अगले एक आध घंटे में पता चल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है जिसको लेके निश्चिंत हो जाना चाहिए वो ये कि सीसीए की बैठक नहीं है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा डिसीजन जो अर्थव्यवस्था से जिसका नाता रिश्ता हो, जिसका नाता रिश्ता हमारे बाजार के दर्शकों से हो, होने की संभावना थोड़ी सी कम है। एक जो प्रस्ताव है जो हर कैबिनेट से पहले ये लोग अपेक्षा रखते हैं कि शायद आएगा, वह है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो PLI स्कीम है उसमें कई सारे सेक्टर को शामिल किया जाना है, लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर, फर्नीचर सेक्टर को। तो इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया हुआ, कभी भी ये फैसला हो सकता है, लेकिन अभी तक एक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि होगा, क्योंकि ये फैसला सीसीए में होता है और सीसीए की बैठक आज नहीं है, तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आज ना हो। लेकिन कंफर्मेशन कौन से प्रस्ताव है वो मैं अगले एक आध घंटे में देने की कोशिश करूंगा। इसी प्लेटफॉर्म इसी चैनल पे लक्ष्मण के थ्रू आपको पता चलेगा आज कैबिनेट की जो सुबह 10:30 बजे बैठक शेड्यूल्ड है क्या एजेंडा होने वाला है। दिल्ली की चर्चा हुई तो कल कैपिटल गेन स्टोरी एक प्रोमिनेंट एजेंसी ने चलाई थी, उस पर मिनिस्ट्री का क्लेरिफिकेशन आ गया था। अब कई लोग कह रहे थे कल का बाजार जो ठंडा पड़ने लगा था शायद उस स्टोरी के चलते था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कोई प्रपोजल नहीं है कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई भी छेड़छाड़ कोई भी बदलाव करने की, वो क्लैरिटी आ गई है सरकार की तरफ से। कल शाम को सारे अपडेट्स आ गए थे। लक्ष्मण थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लक्ष्मण अब आपको वापस स्क्रीन पर नजर आएंगे जब भी उनके पास वो एजेंडा को लेकर क्लैरिटी आएगी। चलिए भाई आज के टॉप कॉल्स उसकी अब शुरुआत कर दूं। लाइए स्टिंग और दिखाइए सबसे पहले गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है अगेन सेफ्टी मार्जिन भारत फोर्ज। अच्छा बेस बना हुआ है भारत फोर्ज, करीब दो हफ्ते से ढाई हफ्ते से एक साइडवेज बन रहा है मूव विद अ बुलिश बायस, और कल एक अपूर्व मिला भी परसों और कल ट्रेड कर रहा है करीब 789 पर। 780 एक स्टॉक होना चाहिए, तो 780 और 789 के बीच में ही मिलना चाहिए, गैप अप को चेस नहीं करना चाहिए। टारगेट का होगा 800 से 810 तक। भारत फोर्ज में अपू है क्योंकि अच्छा बेस बना है हायर टाइम फ्रेम में, और भी हायर जोन देखेंगे, चेज नहीं करें भारत फोर्ज, लेकिन अगर लोअर लेवल पे मिले तो बाय करिए, और 800 से 810 तक के टारगेट रहेंगे गाबा जी की ट्रेड। एक्चुअली परसों आशीष क्लोजिंग में सस्ता ऑप्शन में ये एक शिल्पा जी ने भी इसकी ट्रेड ली थी, 780 की कॉल ली थी मेरे ख्याल से, वो भी अच्छी चली होगी, लेकिन अभी आगे मूव बाकी है इसमें, लेकिन चेज ना करें ये गाबा जी की एडवाइस इस समय। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लीक के लिए हो जाओ तैयार, मेक योर टीम। बट के बाद फाइनली 20-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया, कल एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिला क्योंकि 820 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस माफ करिएगा, स्टॉप लॉसेस रहेंगे 819 के और टारगेट रहेंगे 850 के। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं, ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि वहां पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। टिपका लैब्स खरीदारी करने का कॉल, कल फार्मा एज एन इंडेक्स टॉप गेनर था, रखिए रडार पे वहां से ये स्टॉक। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, सतपुते साहब आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग ओवरऑल। आशीष जी देखिए जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का ट्रेड रहेगा और वो है हेवल्स। अगर आप हेवल्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे बढ़िया पैटर्न दिखता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन 1210 के आसपास कैश में फिल का क्लोज है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ
इसका जो नेकलाइन बनता है वो करीबन 1202 के आसपास है, वेरस 1200 के आसपास इसका 200 DMA है। द पॉइंट इज जो भी डिप मिलेगा 1200 के आसपास वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ भागेगा। तो 1200 नंबर्स पे चर्चा, दोनों नंबर्स में आईसीसी लोम्बार्ड टाटा कॉफी, देखते हैं किस तरह का इवेंचुअल रिएक्शन आता है। एक्सपर्ट्स के व्यू आपके पास आ गए। इस बीच ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ते हुए। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग ओवरऑल। लेकिन आज थोड़ी इसमें रिकवरी और ये समय डे हाई पर। राजेश जी, कोई व्यू आपका कैंपेन होम्स पर? अनुज जी, फ्रेंकली ये रडार पे था, यहाँ पे 570-572 ये रेंज चल रहा है फ्यूचर में, तो आपको इसमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 564 का और मुझे लगता है कि बिग वॉल पर चलते हैं और मार्केट ओपनिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग की बोलाता हुआ फाइनल अप्रूवल आता हुआ, हालांकि दवा का साइज यूएस में छोटा सा। एलटी फूड्स के आरबीएल से विसी जो करीब 104 बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे कि इस वजह से गिर गया। कल देखिए आप, कल का एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर बहुत खराब था। ये जो आप एफआईआई की सेल का बात कर रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कल एफआईआई ने थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक बेचा है, क्योंकि बहुत चल चुका था स्टॉक। और अब मुझे हैरानी नहीं होगी कि जिस तरीके का पैटर्न है, एक बार के लिए एचडीएफसी बैंक थोड़ा और करेक्शन दिखा के स्पिरिट्स एक फंडामेंटल बाय आइडिया। अवस्थी साहब की तरफ से 750 के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है, फंडामेंटल टारगेट से 900 या फिर 4 डिजिट तक जा रहा है, ये 1000 के लक्ष्य देकर वो लोग चल रहे हैं। चलिए भाई, अब स्टॉक्स इन न्यूज की बारी। हालांकि कड़ी तो स्टॉक्स न्यूज हमने डिस्कस कर ली जब लक्ष्मण दिल्ली से जुड़े थे, विंडफॉल रिलेटेड सारे डेवलपमेंट, ओएनजीसी, ऑल इंडिया, रिलायंस जैसे स्टॉक्स रेडार पे। लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए उनकी चर्चा। पहले आईसीएसई लोम्बार्ड, आज तक कैसे नंबर्स? आईसीएसई लोम्बार्ड आपको याद होगा कल के सत्र में एक बहुत बड़ा एक्शन वैसे भी एफएनओ में देखने को मिल रहा था, तो एंटिसिपेशन काफी ज्यादा था कि नंबर्स कैसे आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 40% का इजाफा जरूर देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, 437 करोड़ का यह नंबर आया। नेट प्रीमियम में इजाफा देखने को मिला करीब 12% या बढ़ा है 3726, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हल्का सा मिस है। साथ ही साथ अगर आप दूसरे आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंबाइंड रेशियो का आंकड़ा जो करीब 104 के आसपास 104% पर है, और ग्रॉस प्रीमियम इनकम का जो नंबर है वो 4977 करोड़ के आसपास आया, करीब 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। क्लेम रेशियो अब की बारी हमने देखा है मोटर इंश्योरेंस साइड से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक और चीज है जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। कल स्टॉक काफी एक्टिव था, तो देखते हैं नंबर्स के बाद किस तरह से रिएक्ट करता है। आज ब्रोकरेजेस के रडार पर आया है, तो जेफरीज ने 1560 का टारगेट दिया है बाय की रेटिंग, यूबीएस बाय 1445 के टारगेट के साथ, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 1400 का टारगेट, जेपी मॉर्गन कह रहा है न्यूट्रल नजरिया उनका, 1160 के टारगेट्स इनके हैं, और स्टॉक हमने देखा था कल के सत्र में 1130 पर जाकर टिका है। इसके साथ ही एक और कंपनी जो आज फोकस में रहेगी वो है टाटा कॉफी, इसके भी नतीजे आए, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 19.5-20% तक का इजाफा
बनता दिखाई दिया है, 49 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू 10% बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हुई है कि रियलाइजेशन 8 o'clock कॉफी की और इंस्टेंट कॉफी की बढ़ी है, इसीलिए रेवेन्यू में कुछ इंप्रूवमेंट बनता दिखाई दे रहा है। इबिट्टा हाउएवर थोड़ा सा दबाव में है, करीब 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है इबिट्टा में और साथ ही साथ मार्जिन में, क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़े से नरम रहे और इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा और ऑफ कॉस्ट मार्जिन्स में। कंपनी की तरफ से आया है कुछ और अपडेट, खासतौर से अगर आप इनके प्लांटेशन बिजनेस पर ध्यान देंगे तो वहां पर रेवेन्यू 8% बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट पर दबाव है 12% का। वैल्यू ऑर्डर प्रोडक्ट्स में भी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है 11% की लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा है कि देखिए कॉफी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं तो उसका कुछ इंपैक्ट आगे बिजनेस में देखने को जरूर मिलेगा। दोनों ठंडे नंबर्स मानू, आईसीआईसीआई ठीक है, टाटा कॉफी थोड़ा हल्का सा म्यूटेड है। सावंत साहब, प्रशांत सावंत साहब, पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कल 2.5-3% का उछाल, मेरे ख्याल से बैक टू बैक 4 दिनों से ग्रीन बार्स के फॉर्मेशन नंबर्स से पहले, मिले जुले नंबर्स कह लीजिए जैसे हर्षदा कह रही है, कैसा प्लेस्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड? जी आशीष जी, जो कल का हाई बना है करीबन 1140 मान के चलेंगे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे और वॉल्यूम बहुत अच्छा है कल का तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक इसको हम ब्रेकआउट मान सकते हैं, बट 1140 के ऊपर और वहां से हम करीबन 1170-1175 तक के लेवल भी देख सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 1130 एक मेक और ब्रेक लेवल, इस पे स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं।